महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले महीने इस वायरस के चपेट में आने वाले तेंदुलकर ने शनिवार को अपना 48वां जन्मदिन मनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपना प्लाज्मा दान करेंगे ताकि कोरोना से जूझ रहे देश के लिए कुछ मदद हो सके। तेंदुलकर ने एक वीडियो के जरिए ये बात कही। सचिन ने ट्विटर पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा, मैं एक संदेश देना चाहूंगा जिसे डॉक्टरों ने मुझे देने के लिए कहा है। मैंने पिछले साल एक प्लाज्मा दान केंद्र का उद्घाटन किया था और उनका संदेश था, यदि सही समय पर प्लाज्मा दिया जाता है तो रोगी जल्दी ठीक हो सकता है। मैं निजी तौर पर जब योग्य हो जाऊंगा तब प्लाज्मा दान करूंगा और मैंने अपने डॉक्टरों से बात की है। मैसेज देना चाहूँगा जो मुझे डॉक्टरों ने देने के लिए कहा है। लास्ट ईयर आई हैड इनॉग्रेटेड अ प्लाज्मा डोनेशन सेंटर एंड उनका जो मैसेज था कि यू नो इफ प्लाज्मा इज गिवन एट द राइट टाइम पेशेंट्स कैन रिकवर फास्टर। मैं खुद व्हेन परमिसेबल मैं डोनेट करने वाला हूँ, मेरी बात हुई है मेरे डॉक्टर्स के साथ। इसके साथ ही सचिन ने देशवासियों को भी संदेश दिया कि अगर संभव हो तो वो भी बीमारी से उबरने के बाद प्लाज्मा दान करें। सचिन ने साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए भी सबका धन्यवाद दिया। आप भी जो कोविड-19 से रिकवर हुए अपने डॉक्टर के साथ बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए और व्हेन परमिसेबल प्लीज डोनेट कीजिए ब्लड। आपको बता दें, पूर्व भारतीय कप्तान तेंदुलकर पिछले महीने 27 मार्च को कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इसके बाद उन्हें 2 अप्रैल को एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई के अस्पताल में एक हफ्ते तक डॉक्टरों की निगरानी में अपना इलाज कराने के बाद उन्हें 8 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद से ही सचिन लगातार अपने घर में ही आराम कर रहे हैं और बीमारी से पूरी तरह से उबर रहे हैं। शनिवार यानी 24 अप्रैल को जन्मदिन के मौके पर सचिन को देश और दुनिया भर से शुभकामनाएं मिली। सचिन ने इस मौके पर लोगों का धन्यवाद दिया और साथ ही उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की तरफ से भी एक संदेश दिया। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर बर्थडे विशेस, इट्स ट्रूली मेड माय डे। लास्ट मंथ हैज बीन अ टफ मंथ फॉर मी, आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव एंड हैड टू बी आइसोलेटेड फॉर 21 डेज। योर प्रेयर्स एंड गुड विशेस, माय फैमिलीज प्रेयर्स एंड गुड विशेस, फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑल द डॉक्टर्स और जो उनके साथ पूरा स्टाफ था, they kept me in a positive frame of mind and helped me recover। तेंदुलकर ने साथ ही कोरोना संक्रमण से उबर रहे देश के बाकी लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि अगर वो इसमें सक्षम हैं तो उन्हें भी इस काम के लिए आगे आना चाहिए। मास्टर ब्लास्टर ने कहा, आप जो भी कोविड-19 से उबर गए हैं अपने डॉक्टर से मशवरा करें और जब आप योग्य बन जाएंगे कृपया प्लाज्मा दान करें, इससे काफी समस्या का निदान हो सकता है। हम जानते हैं कि जब तक हम बीमार रहते हैं तब तक हमारे परिजनों दोस्तों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, देश में इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। शुक्रवार के दिन देश भर से 3,46,000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए, जो एक नया रिकॉर्ड है। वहीं 2,624 लोगों की इससे जान चली गई। देश में अभी भी 25,00,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।